ये क्या पागलपन है? क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम? हाँ चुप, रुक जाओ। बुआ, बुआ क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? आप अभी के अभी इसे लेकर इस घर से बाहर चले जाइए, वरना आप दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे इसको नींद में चलने की आदत है, इसी की वजह से कुछ हरकत कर दी होगी। माफी मांग, चल माफी मांग। जस्ट गेट आउट ऑफ दिस हाउस, वरना पुलिस तय करेगी कि इसे नींद में चलने की आदत है या नहीं। बाबू इतनी सी बात पर पुलिस की? अरे सुन तो बाबू, सुन तो समीर, सुन बाबू, ये क्या कर रहे हो? को सबसे पहले घर की नौकरानी ने देखा था सर। पहली नजर में ये सुसाइड का केस लगता है। मिश्रा मुझे सुसाइड नहीं, मर्डर का केस लग रहा है। लाश को सबसे पहले मेड ने देखा था। सो बुलाओ उसे और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। साहब यहाँ पे समीर साहब और उनकी बेटी आयशा रहती है। उनके अलावा कोई और? एक महीने पहले उनकी दूर की रिश्तेदार बुआ और एक लड़की आई थी, पर समीर साहब ने उनको रात में ही धक्के मार के भगा दिया था। साहब उनका कोई एड्रेस या फिर फोन नंबर वगैरह है तुम्हारे पास? नहीं साहब, साहब की बेटी है साहब। सुनिए ये बताइए कि आपका समीर के साथ क्या रिश्ता था? जी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। आप दोनों या फिर सिर्फ आप? दोनों। आयशा जानती थी इस बारे में? मुझे नहीं पता सर, बट मैं तो आयशा को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। आयशा इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब थी। मैंने समीर को काफ़ी बार कहा था कि उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाते, बट समीर कभी समझता ही नहीं था। बस इसी कारण कभी कभी हम दोनों में नाराज़गी हो जाती थी। नाराज़गी या फिर झगड़ा? मैं उसे झगड़ा नहीं कहूँगी। ठीक है आप जा सकती हैं। आप समीर को कितने अच्छे से जानती थी? कुछ खास नहीं जानती थी मैं उनके बारे में, बस एक दो बार मिली थी उनसे, अच्छे इंसान थे। हाँ आयशा से मेरी अच्छी जमती है। अच्छी जमती है मतलब? मतलब बहुत प्यारी बच्ची है वो। उसकी माँ की डेथ के बाद जब भी उसे देखा उदास ही देखा, और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि अपने पति से अलग होने के बाद मैं भी अकेली ही हूँ। ठीक है अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। समीर के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसे रात 1 बजे सोनिया का कॉल आया था, और आयशा ने हमें बताया कि लगभग 1 बजे के आसपास ही समीर घर से बाहर गया। इसके पूरे चांसेस हैं कि उस कत्ल की रात वो आखिरी बार सोनिया से ही मिलने गया। सोनिया को बुलाओ। सो सोनिया कत्ल की रात इतना लेट तुमने समीर को फोन क्यों किया था? सर मिलने के लिए। ऐसी क्या अर्जेंसी थी? सर एक्चुअली मेरा और समीर का ऑफिस में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। मुझे भी लगा कि शायद मैंने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया है। समीर का मोबाइल बंद था तो मैंने उसके लैंडलाइन पर कॉल किया। समीर समीर प्लीज फोन डिस्कनेक्ट मत करना। समीर समीर प्लीज, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो समीर, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड समीर, मैं आयशा की दुश्मन नहीं हूँ समीर। आयशा बहुत अजीब बिहेव कर रही है समीर, और उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ समीर, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आयशा को भी। पापा घर पे नहीं है। मैंने जल्दबाजी में अपने अफेयर की सारी बातें बता दी, लेकिन वो कॉल समीर की बेटी आयशा ने उठाया था। लेकिन एक बात बताओ, जब तुमने फैसला कर ही लिया था तो फिर अगले दिन सुबह समीर से मिलने क्यों गई? वो एक्चुअली मुझे समीर के सिग्नेचर्स एक इम्पोर्टेंट पेपर्स पे चाहिए थे। मैंने जल्द से जल्द ये शहर छोड़ने का फैसला कर ही लिया था, इसलिए समीर के जाने के बाद मैं पेपर्स लेकर उसके घर साइन करवाने गई। अच्छा ये बताओ सोनिया कि तुम्हारी शादी क्यों टूटी? मैथ्यू मेरे एक्स हस्बैंड से मेरी कभी भी नहीं बनी।
मैथ्यू को भी मेरे और समीर के अफेयर के बारे में पता चल गया था। मैंने मैथ्यू को डिवोर्स फाइल कर दिया था। वो मेरे ही पैसों पे जीता था, दारू पीता था, और इसी रीज़न की वजह से वो समीर से खुन्नस खाता था। मैथ्यू को लगता था कि मैं उसे डिवोर्स समीर के वजह से दे रही हूँ। एक काम कीजिए, मैथ्यू का एड्रेस दीजिए। जी सर। आया आया। मिस्टर मैथ्यू। हाँ साहब, मैं ही हूँ। 26 फरवरी की रात तुम कहाँ थे? 26 फरवरी साहब घर पर ही था। समीर को जानते हो? वो कमीना जिसके यहाँ मेरी बीवी जॉब करती। उसके साथ तेरा झगड़ा हुआ था और तूने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उसका मर्डर हो गया। अच्छा ही हुआ ना साहब, उसने मेरी वाइफ को छीना, गॉड ने उसकी लाइफ को छीन लिया। जस्टिस कर दिया गॉड ने। मुझे लगता है कि ये मर्डर तूने किया है। नहीं साहब, मैं गलत काम करता हूँ। चोरी चकारी भी बहुत किया, पर मैं खून नहीं कर सकता साहब। बाय गॉड, मैंने किसी का खून नहीं किया। बिना बताए बाहर नहीं जाएगा। जी साहब, नहीं जाऊंगा। पर शायद ये बात इसलिए नहीं बताई होगी कि मैं ये सब सुनकर डांटूंगी उसे। ठीक है, हम बाकी की बातें आपसे पुलिस स्टेशन में करेंगे। क्या लेके चलो? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? आप ऐसे मुझे नहीं ले जा सकते। मेरी बात सुनिए आप। मैं जिससे सवाल करूंगा जवाब सिर्फ वही देगा, समझ गए आप दोनों? आशा बेटा, जब तुमने अपने पापा पर चाकू से हमला किया उस वक्त तुम्हारी माला आंटी कहाँ थी? वो अपने फ्लैट में थी। तुम्हें कैसे पता कि वो अपने ही फ्लैट में थी? क्या माला आंटी ने तुम्हें ऐसा बोलने के लिए कहा? नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। तुम अपनी माला आंटी को बचाना चाहती हो इसलिए तुम झूठ बोल रही हो। आयशा शट अप। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माला आंटी तो पापा को बचाना चाहती थी। आंटी देखे ना, क्या करूं मैं? आयशा तू जल्दी से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ जा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो बहुत कुछ कह दिया है माला जी, इसके आगे की कहानी आप खुद बताएंगी तो बेहतर होगा, वरना हमारे पूछने का तरीका आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? आयशा जब फर्स्ट एड बॉक्स लेने गई तो वहाँ की सारी सफाई कर दी और सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। आपने ऐसा क्यों किया माला आंटी? हाँ, मैंने तो आपको पापा को बचाने के लिए बुलाया था ना, और आपने उन्हें मार दिया। क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए ना, आपने ऐसा क्यों किया? बोलो, क्यों मारा पापा को? क्यों किया? आयशा के सवाल का जवाब आप खुद देंगी माला जी, या फिर मैं उसे बताऊं? मेरा डिवोर्स हो गया था। मैं समीर को बहुत पसंद करती थी, प्यार करने लगी थी उससे। जब मुझे रेवती के कैंसर के बारे में पता चला तो मैं समझ गई कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी।
इसीलिए मैंने उससे दोस्ती का नाटक किया कि समीर के घर करीब जा सकूं। पर समीर मुझ पर कभी ध्यान नहीं देता था। रेवती के ना रहने के बाद भी समीर मेरे पास नहीं आया। वो सोनिया को पसंद करता था। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने सोनिया और समीर को साथ में देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई। फिर मैंने आयशा को कॉन्फिडेंस में लिया और उसके करीब आ गई और उसे कन्विंस किया कि ब्लैक मैजिक करके वो अपनी मरी हुई माँ से बात कर सकती है। और उस दिन जब मैंने समीर के चेहरे पर दर्द देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसे मार दिया। लेकर जाओ ना। भी बोलो मेहता जी, पर आज तो कमाल हो गया ना। हमारे सारे फ्लैट्स इतनी जल्दी बिक जाएंगे, मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था। तू देखता जा, मैं बोल रहा हूँ ना, 5 साल के बाद देखना इस जगह के क्या भाव मिलते। मेरे कस्टमर तुझे थैंक यू निकुंज साहब कहते नहीं थकेंगे। रियली? क्या हुआ मेहता जी? बताओ। किसी को आते जाते देखा था? कोई और था यहाँ पर? नहीं साहब, मैंने तो किसी को आते जाते नहीं देखा। हाँ, सुबह जब मैं खेत से निकला तो यहाँ खड़ी गाड़ी देखकर मैं रुक गया। ये क्या चल रहा है? अपन काय तेरी कर रहा साहब? लेकिन हाँ साहब, पिछले महीने ऐसा ही कुछ हुआ था। मतलब एक चलती गाड़ी में सांप के काटने से पति पत्नी की मृत्यु हो गई। पटेल, चलती गाड़ी में सांप, बात कुछ जमी नहीं। सर, हो सकता है गाड़ी रुकने पे सांप ने हमला किया। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ, इनके रिश्तेदारों को खबर करो। और हाँ, वन विभाग और इस एरिया के स्नेक रेस्क्यू ऑफिसर से मिलो, उनसे बात करो, शायद उनसे कोई मदद मिले। सर, वन विभाग और स्नेक रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन दोनों का एक ही कहना है, वारजी एरिया में जहरीले सांपों का पाया जाना काफी रेयर है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में ऐसे सांप मिलते नहीं। अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पर ये सांप कहाँ से, और ये लोगों पर हमला क्यों कर रहे हैं? शायद अपनी ज्यादा दुश्मनी निकाल रहे हैं। काय पाटिल।
लगता तू आज भी कॉलेज नहीं गई, एग्जाम सर पर है। और ये तू क्या कर रही है, ठीक से पढ़ाई नहीं करेगी तो नौकरी कैसे मिलेगी? देख बेटा, कोई भी उल्टा सीधा काम मत करना। आखिर कब तक तेरे बाबूजी की बचत पर रहेंगे? तेरी बहन की पढ़ाई भी तो बाकी है ना, तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही? मैं चली जाऊंगी, आप जाओ दरवाजा खोलो। तारा है ना, कहा ना जाओ दरवाजा खोलो, छोड़ो मुझे। जा रही हूं। रोहन गुप्ता नाम है। बॉडी बुरी तरह से सड़ चुकी है, कम से कम 4-5 दिन पहले इसकी मौत हुई होगी। बॉडी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसके घर वालों को ट्रेस करो। सर एम्बुलेंस बुलाओ। तेरे सारे दोस्त आए हैं, तुझे बुला रहे हैं। वो किसी से नहीं मिलना है मुझे, बोल दे उन्हें मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करे। अरे वो तो रोहन के बारे में पूछ रहे हैं, वो भी 3-4 दिनों से कॉलेज नहीं गया। ठेका लेके रखा है मैंने रोहन का। हाँ कह दे उनसे मुझसे कोई भी सवाल ना पूछे, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, जा। ठीक है। नहीं नहीं आप कुछ मत करो प्लीज, मैं आती हूँ। कदम क्यों नहीं धरना सर? ये रोहन के माँ बाप, 4 दिन पहले इन्होंने हिंजवड़ी पुलिस स्टेशन में रोहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। उनको बॉडी के पास ले जा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फिर से स्नेक गैंग। पाटिल रोहन के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और हां पता करो ये कौन से कॉलेज में पढ़ता था। श्रुति बाहर निकलो। हेलो Please stop. कौन हो तुम लोग? चलना। अबे चलना। पकड़ा रे जाना। कोई भागना ना पाए।
फंस भी गए तुम लोग हमारे बिछाए जाल में। ये वो तीनों सारा की मेडिकल रिपोर्ट्स ये प्रूव कर देंगे रेपिस्ट ही तीनों है। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत हैं कि तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। अगर तुम लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया तो शायद तुम्हारी सजा कम हो सकती है, शायद उम्र कैद या उससे भी कम। बोल। मैं सब बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। मैं और मेरा दोस्त अतुल हम लोग सपेरा बस्ती में रहते थे साहब। हमारे बापू लोग के पास ऐसा नहीं था, तभी साहब मेरे को ऐश करने के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए मैंने हिलेंसी होटल में वेटर का जॉब देख लिया। पर साहब वहाँ पे पैसा नहीं था, वहाँ जो पैसा मेरे को मिलता वो सब मकान के भाड़े में चला जाता था साहब। तब साहब मैंने एक प्लान बनाया साहब। मैंने रवि और श्रीनाथिन दोनों को अपने गैंग में शामिल कर लिया। जैसे हमको मौका मिलता हम लोग इन पे हमला करते और सांप से डराते थे इनको। इन दोनों का काम था दूर दराज इलाकों से जहरीले सांप लाकर उनकी गाड़ियों और घरों में छोड़ना। मैं होटल के वैले से गाड़ियों की चाबी उठाकर इन दोनों को पकड़ा देता था। जब भी मैं सारा जैसी लड़की को देखता था ना तो मुझ पे हैरान ही जाता। और हम लोग उसका रेप करते थे, उसी का वीडियो निकाल कर उसे ब्लैकमेल करते थे। सब ठीक चल रहा था, रेप हुई लड़कियों ने कभी पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवाई। फिर एक दिन अचानक मैंने सारा की बहन को देख लिया था। और तूने गलती कर दी, आज तेरी वही गलती तेरे गले में फांसी का फंदा बन के पड़ेगी। अगर तेरी किस्मत अच्छी रही तो तुझे उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन उससे तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर जिंदगी भर जेल में अपने फन फैलाते रहना। सर मेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, ये आदमी जिस वक्त मरा उस वक्त इस आदमी को किसी ने क्लोरोफॉर्म सुंघा कर बेहोश किया, और शायद इसकी हत्या बेहोश करके की गई हो। बॉडी को देखकर ऐसा लगता है सर कि बड़ी बेरहमी से इसके बॉडी पार्ट्स को काटा गया है। और हाँ सर, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आदमी को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं मरे हुए। एक बात और, चाकू को मैंने लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया था, उस पर कुछ खून के ट्रेसेस मिले हैं जो इस आदमी के डीएनए से मैच करते हैं, पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला है सर। जगताप, हमारे पास एक अनजान शख्स की लाश है, मर्डर का वेपन भी है, और जिस तरह से खून करके बॉडी को ठिकाने लगाया गया है उससे लगता है कि ये किसी कोल्ड ब्लडेड मर्डरर का काम है। एनीवे, इस आदमी का कोई क्लू? नो सर, अभी तक तो इस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। मैंने जयपुर के आसपास के सभी पुलिस थानों में इसकी फोटो भिजवा दी है, और हम खुद भी ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दो दिनों में इस आदमी को मिसिंग फाइल रिपोर्ट हुई है कि नहीं। गुड, मैं ये सारे एविडेंस और इस आदमी की बॉडी वापस से चेक करना चाहूंगा। सर ये बॉडी के कपड़े, एक चाकू जिसे हत्या की गई, एक बारकोड मिला सर साहब। बारकोड
जगताप। हाँ सर। अपनी टेक्निकल टीम से कहो कि इस बार कोड को स्कैन करें, पता करें कि ये बैग कहाँ से खरीदा गया है। बार कोड से सेलर की डिटेल मिल जाएगी, फिर जहाँ से भी ये बैग खरीदा गया है उस दुकान या उस जगह के सीसीटीवी फुटेज से हो सकता है हमें कातिल का चेहरा मिल जाए। पतंग? माँ, तुम मेरे लिए पतंग लाई हो? हाँ बेटी, तुम्हें पतंग पसंद है ना? हाँ। इसलिए आपकी माँ आपके लिए पतंग लाई है। थैंक यू माँ। माँ, हाँ? आज शाम को जल्दी आओगी ना? बेटा, बस कुछ दिन हो, उसके बाद माँ का पूरा समय सिर्फ आपके लिए होगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा बेटा। माँ देखो मेरी पतंग उड़ रही है। क्या बात है ऐसे बीच में आने की वजह? हर बात की वजह चाहिए ना तुझे, हुँ? देख ज्यादा उड़ मत, समझी? तुम ना कुछ कर नहीं सकती है, और ये तेरे नए नए आशिक है ना, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सबको कैसे ठिकाने लगाना मुझे मालूम है, और तू जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ। चल। ओके ठीक है, ठीक सर। उस बारकोड के बारे में पता चल गया, इस बैग को गृह शोभा स्टोर से खरीदा गया था करीब 3 दिन पहले। वहाँ की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मैंने बातचीत की है, उनके पास पिछले 1 हफ्ते की फुटेज मौजूद है। सर यहाँ तो विक्टिम खुद है। सर ये खरीदारी करीब 1:17 पे की गई थी दोपहर में। बिल पे लिखे टाइम से हमें पता चल जाएगा कि आदमी कौन था। हमें ये बिल का डिटेल मिल सकता है? एक सेकेंड सर। ये रही बिल की डिटेल। सर ये देखिए, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया गया था। चित्रंजन जी, आपके बेटे की मौत का हमें भी दुख है, लेकिन हमने लोगों से सुना है कि आपकी अपने बेटे से बनती नहीं थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि इसका कारण क्या है? सर मेरी मेरे बेटे से बने या ना बने, पर सच्चाई तो यही है ना कि मैं उसका बाप हूं। हाँ, बिजनेस को लेकर कुछ कासुनी हुआ करती थी मेरे और उसके बीच, जिसके बाद उसने ये घर छोड़कर अलग रहने का फैसला किया। आपको किसी पे शक है? जी नहीं। ओके। सर तेजराज की कॉल रिकॉर्ड्स आ चुकी है। मैंने कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छे से चेक किया है, उसमें कई नंबर्स थे, पर जिस नंबर पर वो सबसे ज्यादा बातचीत किया करता था वो तो तेजराज के नाम पर ही रजिस्टर निकला। उसका खरीदा हुआ बैग और उसी का खरीदा हुआ चाकू और ये नंबर भी उसी के नाम पर, तो माजरा क्या? खैर वो CPU अनलॉक हुआ? सर हमारी टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है, लॉक खोलने के प्रोसेस में सारा डाटा इरेज ना हो जाए इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। गुड, जगताप एक काम और करो। हाँ सर। इस तेजराज के पिछले 1 साल के सारे डिटेल्स निकलवाओ, ये कहाँ कहाँ गया, किस किस क्लाइंट से मिला, सब पता करो। और हाँ, इसके ये दोनों नंबर जो इसके नाम पे रजिस्टर्ड हैं, इसका पूरा 1 साल का कॉल डिटेल्स निकालो, ये कब कब और कहाँ कहाँ एक्टिव थे सब पता करो। ओके सर। सर ये देखिए, ये सारे अश्लील फुटेज हमें तेजराज के कंप्यूटर से मिले हैं। मैंने चेक किया था, इस आदमी का नाम भुवन है और शायद ये वही औरत है जिसको लोगों ने घूंघट में आते हुए देखा था। इस आदमी का फोटो मुझे तब दिखाई दिया
जब मैं तेजराज की कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था, मैंने कुछ और नंबर की भी डिटेल्स मंगवाए थे और इस आदमी के बारे में भी मैंने पता किया है। ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है सर। क्या रे भुवन, बड़े तोड़ने जोड़ने के कॉन्ट्रैक्ट लेता है। तेरा कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास, हमें देख के तू समझ ही गया होगा कि हम क्या तोड़ते हैं। अरे हुआ क्या? अरे हुआ क्या साहब, ये तो बताओ। अरे हमने किया क्या है? क्यों मारा तेजराज को? क्या बात कर रहे हैं साहब, हम काहे मारेंगे तेजराज को? झूठ मत बोल। माधवन ने हमें सब बताया कि एक बार अपनी साइड पे तूने उसे मारा भी था और दुश्मनी में सुना है कि तू सूद के साथ साथ ब्याज भी वापस करता है। तुम दो तूने मारे ना, वो रहे, पर ये ले इसका ब्याज। साला मुझे मारेगा? साहब झगड़ा हुआ था, लेकिन पहले हाथ उसने उठाया था। उसके पास हमारा एक MMS पड़ा हुआ था, हमको रोज धमकी देता था कि हमारी बीवी को दिखा देगा। वो MMS तो उसके कंप्यूटर में बाहिफाजत रखा हुआ है। उस MMS में वो औरत कौन थी तेरे साथ? सब वो हमारे दोस्त दिनेश की पत्नी कुसुम थी। दिनेश टिफिन सप्लाई करने का काम करता था। कभी कभी मुझे मजदूरों की कमी पड़ती थी तो मजदूर भी सप्लाई करता था। इसी सिलसिले में उसके घर पे खाने वाने पे जाना आना हो जाता था। वहीं मेरी मुलाकात कुसुम से हुई। धीरे धीरे कुसुम पास आने लगी और एक दिन जब दिनेश घर पे नहीं था तो ने मुझे बेवकूफ बनाया, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ पैसों के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पुलिस में जाकर सब कुछ तुम्हारे खिलाफ सच सच बताऊंगी, सब कुछ। तुम्हें मैं जेल में सड़ते हुए देखना चाहती हूँ। इतना आसान है मुझे जेल भेजना? मयूर अभी 4 फीट का है, अच्छा लगेगा कि उसके छोटे छोटे 4 टुकड़े कर दूं। अगर किसी के आगे मुंह खोला तो याद रखना उसकी बोलती बंद हमेशा के लिए। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं? तेजराज वो मेरे बेटे को मार देगा, उसने मुझे धमकी दी है। ठीक, फोन पर ज्यादा बातें मत करो, मैं मिलकर बात करूंगा। छोड़ूंगा नहीं। मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है, जो हुआ सो हुआ। मुझे नहीं लगता कि हमें दिनेश को जान से मारना चाहिए। क्या बातें कर रही हो तुम? ये दिनेश इंसान नहीं है, हैवान है, और हैवान को मारना कोई गलत काम नहीं है। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं कर सकती। मैं कहूंगी तुम भी मत करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मयूर को कौन देखेगा, उसे कौन संभालेगा। आज को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो, तुम कहती हो तो मैं दिनेश को नहीं मारूंगा। मैं ये चाकू, ये क्लोरोफॉर्म, ये बैग, ये सब फेंक दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। मुझे मारने की सोच रहे हो तुम लोग? मुझे मारने की सोच रहे हो तुम लोग? मुझे मारने की सोच रहा हूँ, नहीं मुझे मार। Oh, my God.
देख अपने मजनू की हालत, आज के बाद जैसा कहूंगा वैसा ही करेगी। और सुन सुन, पुलिस तक ये बात पहुंचाई ना तो तेरे बेटे को ऊपर पहुंचा दूंगा। माधव माधव जल्दी आ जा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.